Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. हेलो फ्रेंड्स, नित्या टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है कि कोई भी मदरबोर्ड आपके पास आता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका पार्ट नंबर क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरर कौन है और इसका जनरेशन कौन सा है। एक मदरबोर्ड के ऊपर कम से कम आपको तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट में होगा पार्ट नंबर, सेकेंड में होगा ODM, और थर्ड में होगा जेनरेशन। एक मदरबोर्ड के ऊपर ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए। ODM का मतलब समझते हैं आप लोग? ODM का मतलब हुआ ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, मतलब इसको कौन डिजाइन किया है। पहला पार्ट नंबर क्या है, दूसरा उसको डिजाइन कौन किया है, और तीसरा उसका जेनरेशन क्या है। स्कीमेटिक डायग्राम देख के ये तीन चीज को पहले कैसे कंफर्म करेंगे, तो कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम मैं खोलता हूँ तो उसमें आप बताइए कि मान लीजिए ये वाला स्कीमेटिक डायग्राम आपने खोला, जब सामने ये स्कीमेटिक डायग्राम आया तो इसमें वो तीन चीज कैसे कंफर्म करेंगे आप। कोई बता पाएंगे? कॉम्पल इसका ODM है सर, कॉम्पल ने बनाया है बोर्ड, और Q5WG1 इसका पार्ट नंबर है, और ये सेकंड थर्ड जनरेशन का बोर्ड है ये। देखिए इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पल कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो ये कॉम्पल जो है ये इसका बनाने वाला है, ये है हो गया ODM, ठीक है। और दूसरी चीज की इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, प्रोसेसर का ही जनरेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सैंडी और LYV ब्रिज प्रोसेसर चलेगा, इसमें दो प्रोसेसर चलेगा, सैंडी भी चल जाएगा और LYV ब्रिज भी चल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज पता चल गया, क्या पता चल गया आपको, मैन्युफैक्चरर का पता चल गया और जनरेशन पता चल गया। अब पता करना है आपको पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर कौन सा होता है इसका, उस पार्ट नंबर सबसे ऊपर में ही लिखा होता है। देखिए इसका है पार्ट नंबर है LA-7912P। तो कभी भी अगर आप कोई भी जनरेशन कैसे पता करनी है, बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है LA-7912P। ये इसका पार्ट नंबर है। अगर कभी भी मदरबोर्ड को के स्कीमेटिक डायग्राम किसी का डाउनलोड करना भी होगा आपको, तो उसके लिए आप पार्ट नंबर से ही डाउनलोड करेंगे तो इजी वे में मिलेगा और एग्जैक्ट मिलेगा। बाकी मॉडल और इधर उधर से डाउनलोड करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो पहले इसका पार्ट नंबर याद रख लीजिए, पार्ट नंबर ढूंढने का प्रयास कीजिए, ढूंढना सीखिए सभी का कि पार्ट नंबर कौन सा होता है और कैसे पहचान पाएंगे। तो कॉम्पल का जितना भी पार्ट नंबर है वो सारे LA से शुरू होते हैं। एक हिंट्स तो ऐसे भी आपको मिल गया कि LA से शुरू हुआ मतलब इसका मैन्युफैक्चरर कॉम्पल है, ठीक है। तो पहला हो गया कि पार्ट नंबर, ठीक है, पहला पार्ट नंबर आपका क्लियर हो गया। सेकंड में आता है इसको बनाया कौन है, तो बनाया कौन है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कॉम्पल ने बनाया है। तो सेकंड में, पहला में हो गया पार्ट नंबर और सेकंड में हो गया मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब आया थर्ड, तो थर्ड में आपको प्रोसेसर देखना होगा कि ये किस प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये SKNDY या LYV, ये दोनों में प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अब ये दोनों प्रोसेसर, ये कौन सा जनरेशन हुआ और ये कौन सा जनरेशन हुआ, पहले अब इसको पता करना पड़ेगा आपको। ये तो वाला जो मदरबोर्ड है आपको, ये सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, यानी कि इसकी जो पावर सिक्वेंस होगी वैसा ही होगा जैसा सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर काम करता है।
ठीक है। एक्चुअली पावर सीक्वेंस डिपेंड करता है पीसीएच के ऊपर, लेकिन अगर पीसीएच और प्रोसेसर दोनों एक दूसरे का पूरक है, अगर आप प्रोसेसर को भी रखेंगे तो पीसीएच उसके साथ ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से एक और यहाँ पे है लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर क्या है, इस वाले स्कीमेटिक डायग्राम में पार्ट नंबर कौन सा है। तीन चीज मैंने बताया, पहला तो पार्ट नंबर, सेकेंड में हो गया ओडीएम कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, और तीसरा में हो गया कि कौन सा प्रोसेसर चलेगा या कौन सा जेनरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इस एस्केमेटिक डायग्राम को देख के आप कैसे पहचान पाएंगे कि इसका पार्ट नंबर क्या है। सर यहाँ पे तो अभी नहीं लिखा है, शायद नीचे या कॉर्नर पे होगा सर। अब विस्टर्न देखिए यही इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर है, 15HR है क्या सर? ठीक हाँ 15HR, है सर। 15HR इसका पार्ट नंबर है। दूसरा विस्टर्न कॉरपोरेशन इसका मैन्युफैक्चरर है, दो चीज हो गए, पार्ट नंबर क्या है 15HR, मैन्युफैक्चरर कौन है विस्टर्न कॉरपोरेशन, और थर्ड में क्या होता है प्रोसेसर कौन सा सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सैंडी ब्रिज, सैंडी ब्रिज सैंडी ब्रिज का मतलब सेकेंड जनरेशन, ठीक है। अब मदरबोर्ड में प्रोसेसर अगर कोई चेंज कर दिया या आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रोसेसर चलेगा। तो उसका या तो उसके पीसीएच से आपको पता कर लेना है कि पीसीएच कौन सा लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर, और नहीं तो उसका एस्केमेटिक डायग्राम डाउनलोड कीजिए, और एस्केमेटिक डायग्राम के फ्रंट पेज पे ही लिखा होता है कि ये कौन सा प्रोसेसर है, इसका पार्ट नंबर क्या है, और ये कौन ब्रांड इसको बनाया है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। तो ये ZQ0 हो गया, तो इसमें एक नंबर में हो गया पार्ट नंबर ZQ0। सेकेंड होता है इसका मैन्युफैक्चरर, तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, का मैन्युफैक्चरर देखने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कॉर्नर पे कौन दिखा रहा है, कॉन्टा ठीक है। मैन्युफैक्चरर हो गया कॉन्टा, ठीक है। तीसरा में क्या है जेनरेशन, जेनरेशन कौन सा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बोरवेल। बोर्डवेल का कौन सा जेनरेशन मैंने बताया अभी आपको, तो यहाँ पे देखिए बोर्डवेल, बोर्डवेल का कौन सा जेनरेशन है, फिफ्थ फिफ्थ सर। जेनरेशन है बोर्डवेल का, आपको पता चल गया। देखिए सबका बोर्डवेल हो गया, तो देखिए अगर क्वांटा था तो उसका पार्ट नंबर कुछ अलग टाइप से बताया गया, विस्ट्रोन है उसका पार्ट नंबर कुछ अलग टाइप से बताया गया, कॉम्पल है उसका पार्ट नंबर कुछ अलग टाइप से बताया गया। तो यही चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज अब इसके बारे में पता करना है आपको हमको, तो इसका सबसे पहले पता कीजिए कि इसका पार्ट नंबर क्या है, तो पार्ट नंबर से ही हम लोग इसको ढूंढे थे। हाँ कोलकाता इसका पार्ट नंबर ये भी कह सकते हैं, या तो मदरबोर्ड के ऊपर ये लिखा रहता है 6050A72, ये इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। दूसरा ब्रांड कौन सा है, मैंने किसने इसको बनाया है, ओडीएम कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, इसका मैन्युफैक्चरर है इन्वेटेक, ठीक है। अब ये कौन सा प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, ये कौन सा प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ये एरेंडेबल कर रहा है यानी कि फर्स्ट जनरेशन को, ठीक